अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फूड वर्ल्ड विद महक। आज हम आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रहे हैं वो है बिहारी मटन मसाला। मटन की हमने काफ़ी रेसिपी आपके साथ शेयर की है, उनमें से एक यम्मी रेसिपी हम आपके साथ आज फिर से शेयर कर रहे हैं। आप चाहें तो आप बीफ के साथ भी ये रेसिपी रेडी कर सकते हैं। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक बाउल में 750 ग्राम मटन ऐड करना है। मटन को हमने वॉश कर लिया था, उसके बाद हमने 4 से 5 अदद प्याज स्लाइस करके वो ऐड कर दी है। उसके बाद हमने नमक ऐड करना है अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 2 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे और 2 टेबल स्पून हमने क्रश्ड किया हुआ लहसुन अदरक यानी जिंजर गार्लिक ऐड करना है। उसके बाद हमने 4 से 5 अदद हरी मिर्च ऐड करनी है, 2 टेबल स्पून हरा धनिया ऐड करना है और उसके बाद हमने 1/2 कप सरसों का तेल ऐड करेंगे और उसके बाद हम मिक्स करेंगे और मैरिनेट करेंगे कवर करके 30 मिनट्स के लिए। पॉट में ऐड करेंगे 1/4 कप ऑयल और हीट करेंगे। उसके बाद हम ऐड करेंगे साबुत गरम मसाले जिसमें हमने 6 अदद लौंग, 2 बादियान के फूल, 1 दालचीनी की स्टिक, 2 बड़ी इलायची जिसको हमने तोड़कर ऐड किया है। उसके बाद हमने ऐड करने हैं 10 से 15 अदद साबुत काले मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा और हमने ऐड करने हैं 3 तेज़पात, 6 से 8 अदद हमने लहसुन के साबुत जवे ऐड करने हैं। ज़ीरा जो है वो मैं ऐड करना भूल गई थी, मैंने बाद में ऐड किया था। 1 प्याज स्लाइस करके हमने वो ऐड की है। उसके बाद हमने फ्राई करना है जब तक प्याज का कलर लाइट गोल्डन हो जाए। तो अब हम ऐड कर देंगे ज़ीरा, जैसे मैंने आपको बताया था मैं पहले भूल गई थी। उसके बाद हमने लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है प्याज को। प्याज का कलर लाइट गोल्डन हो चुका है, बस इतना ही हमने प्याज को फ्राई करना है और उसके बाद हमने मैरिनेटेड मटन ऐड करना है। चार से पाँच मिनट के लिए हमने फ्राई करना है मटन को मीडियम हीट पर। उसके बाद हमने लो मीडियम हीट पर कवर करके कुक करना है कि जो प्याज है वो अच्छी तरह गल जाए। अब आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट हो चुका है और जो मसाले हैं प्याज है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से गल चुकी है। उसके बाद हमने 2 ग्लास पानी ऐड करना है, मिक्स करेंगे और उसके बाद हमने कवर करके कुक करना है कि गोश्त गल जाए। आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट हो चुका है और जो मसाले हैं वो बिल्कुल जिस तरह भुना मसाला होता है इस तरह रेडी हो चुके हैं। गोश्त बिल्कुल गल चुका है तो हमने लास्ट में ऐड करना है 1 टेबल स्पून चॉप्ड किया हुआ हरा धनिया, 1 हरी मिर्च और उसके बाद हमने 1 हरी मिर्च को सिलेक्ट करके ऐड किया है। मिक्स करेंगे और उसके बाद हमने बिहारी मटन मसाले को सर्व करना है जो कि बिल्कुल यमी सा हमारा रेडी हो चुका है रेस्टोरेंट स्टाइल। सर्व करेंगे चॉप किए हुए हरा धनिया और हरे मिर्च के साथ। बिहारी मटन मसाले की यमी से रेसिपी आप बनाइए और हमें फीडबैक दीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके अलावा फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। स्टे कनेक्टेड टू फूड वर्ल्ड विद महक। अल्लाह हाफिज़।